बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। श्वेता जी कानपुर से, नोएडा से जुड़े हुए हैं, आचार्य जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से सुमन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महेश जी जो है राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अमोल जी जो है नांदेड़ से जुड़े हुए हैं, अमित जी बिहार से जुड़े हुए हैं, सपना तिवारी जी जो है बलिया से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप लोगों ने अपना अपना जिस भी शहर से जुड़े हुए हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम जिस भी शहर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो आपका स्टेट हो, आप बता सकते फिरोजापुर पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। माया जी सीजी से जुड़े हुए, बहुत माया मिश्रा छत्तीसगढ़ से, ओके अक्षय जी मुंबई से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से सतीश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी यहाँ पे जितने भी आदमी हैं आप लोग बता सकते हैं कि अगर आपने न्यूमरोलॉजी कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है, चाहे वो चालडियन न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, चाहे वो इंडियन न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, चाहे वो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, चाहे वो लोसोगीट पढ़ा है, लोसोगीट तो फेंग शुई का एक पार्ट है, लेकिन बहुत आदमी जो है लोसोगीट भी पढ़ते हैं, वहां से भी प्रिडिक्शंस करते हैं और वो चीज हम आज सिखाने वाले भी। तो जहां से आपने कहीं भी अगर सीखा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने सीख कर रखा है। ओके रोहन जी जो बोल रहे हैं, रोहन पासा जी बोल रहे हैं लोसो सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, मनीष जी यूट्यूब से, ओके बुलंद शहर से बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णन जी यूट्यूब से सीखे हैं, श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, अक्षय जी लोसोगीट सीखे हुए हैं, बहुत कोई भी सीखे हैं, चालडियन हो, लोसोगीट हो, पाइथन हो, या इंडियन न्यूमरोलॉजी हो, या तांत्रिक न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी अगर आपने सीखा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमने सीख लोसोगीट गूगल से सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, आचार्य जी यूट्यूब से सीखे हैं, बहुत बहुत। विपिन जी बोल रहे हैं लोसो सर आपने आपसे सीखा है और वेबिनार से सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन वर्मा जी, ये बहुत अच्छा है, सीखना चाहिए किसी भी आदमी को, और आपने खुद वो चीज एक्वायर किया है और सीखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता जी जो हैं, आचार्य जी जो हैं यूट्यूब से सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हम अपने बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्रैश कोर्स अजीत सिंह जी बोल रहे हैं क्रैश कोर्स हमसे ही किए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह जी। आज जो हम अपने बारे में पहले बता देते हैं कि मेरा नाम चितरंजन झा है और हम इस क्षेत्र में न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी हुआ, वास्तु या पामिस्ट्री हुआ, इसमें जो है 10 साल से काम करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आदमी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को कौन जानते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे चैनल का नाम, हमारे चैनल का नाम है घर संसार, और कोई अगर जानते हैं अगर तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में तो हम आपको बता देंगे, अगर जानते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी बोलते हाँ जी, क्रॉस क्रैश सतीश कुमार जी क्रैश कोर्स किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। घर संसार बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले जो है ये हमारा वेबसाइट है, जिस वेबसाइट लिख दीजिए, पीपीटीज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ओके ओके अभी अभी आ रहा है क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आ जाएगा क्लियर, टेंशन मत लीजिए। गोपाल जी कितना परसेंट मिल रहा है ये बता दीजिए, कितना परसेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट देखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम आगे चलते हैं तो के नाम से, अगर के नाम से देखेंगे तो के से किसी भी जातक का नाम शुरू होता है, तो ये कितना परसेंट मिल रहा है, तो जी ये आप पढ़ लीजिए और इससे जो है आप पहले पता लगा लीजिए कि आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है।
10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है या 50% मिल रहा है, आप जरूर जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कितना परसेंट मिल रहा है। गोपाल जी 90% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। के नाम से किसी भी जातक का नाम है तो कितना परसेंट मिल रहा है आप जरूर बताइए, के नाम से किसी भी जातक का अगर मिल रहा है तो, के नाम से किसी भी जातक का मिल रहा है तो आप जरूर इसे बताने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, के नाम से किसी भी जातक का अगर मिल रहा है, सुमन जी, सुमन बजाज जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, सतीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिस भी जातक का मिल रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा पीपीटी आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है क्या? चैट बॉक्स में एक बार लिखिएगा। ओके ओके ओके, इसको हम देख लेते हैं। नाम से किसी भी जातक का अगर नाम है तो अपने बारे में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, यहां पे आपको क्लियर दिखेगा कि के नाम से किसी भी जातक का अगर नाम है तो कितना परसेंट मिल रहा है। जिस भी व्यक्ति का के से नाम शुरू होता है, क्योंकि नामकरण के लिए ये बहुत ही जरूरी है किसी भी जातक के लिए, तो के से अगर नाम शुरू होता है तो आप अपने बारे में यहां पर समझ लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और कितना परसेंट मिलता है कृतिका जी, कितना परसेंट मिलता है ये चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, कितना परसेंट मिलता है ये चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कितना परसेंट मिल रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है जरूर बताइए चैट बॉक्स में। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? ओके हाँ, वो भी हम लेकर आपको बताएंगे कितना किससे आ रहा है, वो भी हम लेकर बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके अभी जो है सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं ए नाम से। अगर किसी भी जातक का अगर ए से नाम शुरू होता है तो उस जातक का नाम, अगर ए से किसी भी जातक का नाम है तो क्या उसका मतलब होता है। अगर ए से किसी भी जातक का नाम है तो सबसे पहले हम देख लेंगे ए से लेकर जेड तक के बारे में। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि ए से अगर किसी भी जातक का नाम है तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये कितना परसेंट मिल रहा है ये बताना बहुत ही जरूरी होगा आपको, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि हमने जितना भी कंसल्टेंसी किया है, जितना भी किया है उनके बारे में हमने पहले समझा है, उसके नेचर्स के बारे में पहले देखा है, समझा है, उसके बाद मैंने ये बुक लिखा है। वो तो एक छोटा सा पार्ट हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर ए नाम से किसी भी जातक का नाम शुरू होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ए नाम से किसी भी जातक का नाम, अगर किसी भी जातक का नाम शुरू होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कितना परसेंट मिल रहा है। ए से किसी भी जातक का अगर नाम अगर शुरू हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 10% मिल रहा है। आप लोगों के ग्रुप में भी ये भेजा गया है। आप लोगों के ग्रुप में भी अजीत जी बोल रहे हैं, अजीत सिंह जी बोल रहे हैं 80%। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए अजीत सिंह जी।
ए से किसी भी जातक का अगर नाम है तो आप पढ़ लीजिए और अपने बारे में समझिए कि कितना अमोल जी कितना परसेंट क्लियर नहीं आ रहा। आपके ग्रुप में भेज दिया गया होगा, जिस भी ग्रुप में है आप देख लीजिए, ए नाम वाले पीपीटी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। अगर किसी भी जातक का बी से नाम शुरू होता है तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं, ये बी के नाम के बारे में यहाँ पे क्लियर बताया गया है। अगर बी से किसी भी जातक का नाम शुरू होता है तो ऐसे आदमी कैसे होते हैं, इनके नेचर्स कैसे होता है, इसके बारे में भी आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका कितना परसेंट मिल रहा है। ए बी सी किसी भी नाम से अगर शुरू होता है, ए और बी के बारे में हमने बताया, बी से अगर किसी भी जातक के बारे में अगर शुरू होता है नाम तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी जातक का अगर बी से शुरू होता है तो। बी से अगर किसी भी जातक का शुरू हुआ है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर किसी भी जातक का सी से शुरू होता है तो सी से अगर आपका नाम शुरू है, हमारा भी नाम सी से है, अगर आपका भी नाम सी से है तो कितना परसेंट मिल रहा है आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितना परसेंट मिल रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, हमने यहां पर जो है ए से लेकर जो है सी के बारे में बताया कि कितना परसेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहां पे हम नाम के बारे में समझते हैं कि नाम कैसे काम करता है किसी भी जातक में, और नाम से किसी भी जातक, क्योंकि शुरुआती अक्षर से किसी के बारे में पता लगा सकते हैं, बस शुरू अक्षर अगर आपको मिल गया तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब इसके हम आगे चलते हैं, जिसमें हम लोसो ग्रीड आगे का हम नंबर नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कितना परसेंट मिल रहा है, तो आपने आप जवाब ही नहीं दे रहे थे, जिनका नाम था वो भी बैठे हुए हैं, तो उसको मिल बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पीपीटी जो है आपको जितना भी है आपको अपने मेल पे मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी के बारे में लिखे हैं तो कितना परसेंट मिल रहा है ये जब तक कोई आदमी फीडबैक नहीं देगा कि हमने जो काम किया, आप जब न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं तो जो आप जब किसी दूसरे को बताते हैं तो जब तक आप उसका फीडबैक नहीं लेंगे कि हमने जो बताया वो कितना परसेंट सही है, तब तक आगे काम करने में आपको मजा ही नहीं आएगा। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा कितना परसेंट मिल रहा है। अब हम आगे अगर चलते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम जो देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि लोसो ग्रीड कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में सब आदमी यहां पे डेट ऑफ बर्थ, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ जो होता है उस डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी नंबर्स है, चाहे वो एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, जो भी नंबर है उस नंबर को आप लिख लीजिए, और नंबर लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालिए। अब ये निकलेगा कैसे, जैसे कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1985 है, 26/1/1985 हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें जो 26 है उसको जो जोड़ेंगे तो वो हमारा ड्राइवर नंबर होगा, तो 2+6 जो होगा ये 8 आएगा, यानी कि ये हमारा ड्राइवर नंबर होगा। और जब हम कंडक्टर नंबर निकालते हैं तो 2, 6, 1+1+9+8 और +5, इस सब को जब जोड़ते हैं तो जितना भी नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट में अगर बनाते हैं
तो वो कंडक्टर नंबर होता है। इसी नंबर को जो है आगे चलकर आदमी कोई आदमी जो है सॉरी कैप्टन नंबर वाइस कैप्टन नंबर बोलेगा, बर्थडे नंबर लाइफ पाथ नंबर बोलेगा, जन्मांक मूलांक बोलेगा, तो यही दो नंबर होता है। और इसी दो नंबर को आप याद रखिए, यही दो नंबर आपको लाइफ में आगे जाने वाला है, आगे लेकर बहुत अच्छा जाएगा। इस दोनों नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपका जो भी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर जिनको नहीं निकालना आया तो वो भी बता सकते हैं, जिनको निकालने आया वो भी। ड्राइवर नंबर वो है जैसे कि हमारा 26 तारीख का जन्म हुआ था तो 26 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 8 निकलेगा, वो हमारा ड्राइवर नंबर है, और टोटल जोड़ने के बाद जितना भी आएगा वो हमारा कंडक्टर नंबर होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी जातक का निकाल सकते हैं। सतीश जी, सुमन जी, अशोक जी, मुकेश जी, आप लोगों का क्या है ड्राइवर कंडक्टर नंबर जरूर बताइएगा कि ये कितना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया। ये किसी भी जातक में बहुत ज्यादा काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि अभी हम ड्राइवर कंडक्टर लेते हैं तो इस ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में सबसे पहले देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, यहां पर देखेंगे कि 5 और 8 जो था, 5 8 जिनका भी है अपने बारे में देख लीजिए, आप अपने बारे में देख लीजिए, जिनका भी 5 8 है उनके बारे में ये एक पीपीटीज है जो कि आपको बताया जा रहा है, और इसमें नेम का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी आदमी के सफलता में। कितना परसेंट मिल रहा है 5 8, आप जरूर बताइए कितना परसेंट मिल रहा है अगर किन्हीं का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 5 और 8 है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यहाँ पे कोई भी 5 8 जिनका भी है बताइए कितना परसेंट मिल रहा है। आपने 5 8 लिखा था तो हमने 5 8 के बारे में हमने आपको बताया। 2 4 के बारे में देखे थे, 2 4 के बारे में लिखे थे, आप कितना परसेंट मिल रहा है आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, 50% मिल रहा है 2 और 4। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 और 4 अगर किन्हीं का है तो आप अपने बारे में यहां पर जो है लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये गुड नेम जो लिखा हुआ है, नेम चेंज इंपॉर्टेंट 5 6, ये जो हम अभी बताएंगे नेम का जरूर याद रखिएगा। जैसे कि सतीश कुमार यहाँ पे हैं या सुमन जी हैं, सुमन जी का नाम है SUBHAN सुमन, या मुकेश जी का नाम है, स्वाति जी का नाम है, अशोक जी का नाम है, सतीश जी का नाम है, तो नाम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है यहाँ पर। तो नाम कैसे निकालते हैं, नाम का योग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। नाम का योग निकालने के लिए तुरंत जो है आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना होगा, नाम का योग निकालने के लिए जो आपका नाम है, चाहे कुछ भी नाम हो सकता है, मनोज हो, सुरेश हो, कुछ भी नाम हो, नाम का वाइब्रेशन देखना, क्योंकि नाम ही वाइब्रेशन जो है 3 3 नंबर को आप सुधार सकते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर है, कार नंबर है, सबसे आप सुधार सकते हैं। जैसे कि हम आगे अगर जाते हैं तो नाम पे अगर हम लेकर जाते हैं तो नाम से कैसे निकलता है, जैसे कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को लीजिए आप और यहाँ पे किसी भी जातक का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ने चैट बॉक्स में लिखे थे राम कुमार जी, जैसे कि सतीश जी हैं, सुमन जी हैं, तो ये अपना नाम लिख देंगे यहाँ, जैसे कि हमने लिखा राम कुमार, यहाँ पे देख लीजिए 33 पे नाम आया है और चालियन से 22 पे नाम आया है। तो इसी प्रकार 3 नंबर आता है जिसका हम बहुत अच्छे तरह से जो है देखकर उसको हम सुधार कर सकते हैं। ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कुछ भी नाम है, क्योंकि नाम का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है रेमेडीज से अच्छा होता है नाम का वाइब्रेशन। जैसे श्रिया जी हैं तो श्रिया SHRI, श्रिया का जो है 35 8 नंबर पे आया है। नाम का स्पेलिंग जरूर देखिएगा,
दिनेश कुमार मिश्रा, तो दिनेश कुमार मिश्रा भी कैलकुलेट हो सकता है। तो आप अपना नाम का जो नंबर है वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी किसी का स्ट्रगल नंबर आता है तो वहां पे नेम नंबर बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि हमारा जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकला उसमें नाम का हर में देखेंगे कि नाम, जैसे कि अभी कोई आदमी बताए थे कि हमारा जो है 2 और 7 है, तो 2 और 7 अपने बारे में बता सकते हैं कि कितना परसेंट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक नगर जी। देखिए यहाँ पर जो है हमको आपके सर्टिफिकेट का नेम तो पता नहीं है और यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, तो आप सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या आप पाइथागोरियन नंबरोलॉजी का चार्ट बना के आप उसे निकाल भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे 2 और 7 है, एंटी जहां भी नंबर आता है, जैसे 3-6 नंबर एंटी होता है, 1 और 8 नंबर एंटी होता है, 6 और 3 नंबर एंटी होता है, यहाँ जहां भी ये नंबर आएगा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा किसी भी जातक में। तो वहां पे नेम नंबर, चाहे वो मोबाइल नंबर से लेके आइए नंबर्स, वाइब्रेशंस वो दीजिए, कार नंबर से लेके आइए, या आप जिस सिटी में रहते हैं उसी, क्योंकि ये भी देखा जाता है कोई आदमी अगर दूसरी सिटी में जा रहा है तो उसका जो है वहां पे ग्रोथ नहीं होता है, तो इसका क्या कारण है, वो कैसे हम निकालते हैं, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो 8 और 4, ओके, हम उसके बारे में बताएंगे। तो नाम नंबर का हमने देखा कि बहुत बड़ा योगदान होता है, नेम नंबर्स निकालते हैं, वाइब्रेशंस द्वारा हम नाम नंबर देते हैं, उसमें हम कार नंबर भी लेते हैं, सब नंबर के द्वारा हम वाइब्रेशंस देते हैं। उसके बाद आता है हमारा तांत्रिक नंबरोलॉजी, इसमें क्या होता है कि इसमें हम रेमेडीज देते हैं किसी भी जातक का, इसमें रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रेमेडीज इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि संकट मोचन, बाल रक्षा कारी, आयु वर्धक, अकाल मृत्यु, देखिए ये सब रेमेडीज कैसा है, जैसे सरे साथी अगर किसी भी चक्कर में अगर कोई फंस गया, या 8 नंबर अगर आपके चैलेंज नंबर्स आ गए, जैसे नंबरोलॉजी में भी हम दशा महादशा निकालते हैं, उस वक्त अगर प्रॉब्लम हुआ तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी के लाइफ में, या अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके समाज में ऐसे आदमी होंगे, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी है, अगर निगेटिव एनर्जी काम करना शुरू कर दिया तो वहां पे ग्रह काम नहीं करता, अंक का वाइब्रेशंस काम नहीं करता, उस वक्त हमने इसका प्रयोग किया है और इसको समझा है, और इसी के अंतर्गत हमने यहाँ पे रेमेडीज दिया है जो कि तांत्रिक नंबरोलॉजी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे तंत्र यंत्र और मंत्रों के द्वारा किसी भी जातक के सॉल्यूशंस लेते हैं या सॉल्यूशंस करते हैं। आप इसके बारे में कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है किसी भी जातक में। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि हम यहाँ पे अगर आते हैं तो तांत्रिक नंबरोलॉजी में बहुत चीज ऐसे हैं जो कि प्रोसेस के द्वारा होता है, और ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें यंत्र मंत्र और तंत्रों के द्वारा किसी भी जातक के सॉल्यूशंस को सॉल्व किया जाता है या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे कि आपका नंबर है, नंबर बहुत अच्छा है, आपके चार्ट में 4, 5, 6 भी है, आपके चार्ट में है 8, 5, 2 भी है, जो भी मास्टर्स योग होता है वो सब है, सब कुछ है आपके चार्ट में, लेकिन तब पर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, और इसका कारण सर एक ही है कि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, जिस समाज में आप रहते हैं जब भी आप ऊपर उठना चाहेंगे तो वहां पर एक आदमी आपको नीचे खींचने वाला मिल जाएगा, और जहां पे वो नेगेटिव एनर्जी काम करता है, और उसका सॉल्यूशंस ग्रहों में नहीं होता है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे कि राहु प्रधान अगर आदमी कोई हुआ तो उस पे जल्दी काम ही नहीं करेगा कोई भी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन वहां पे भी स्टेप होते हैं, वैसे स्टेप वाले समाज में मिलते हैं, दो ढाई वाला तो समाज में आपको आजकल हंसते खलते आपको मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए हमने इसमें जो है सम्मिलित किया है, और इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में है तो उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, और इसके बहुत से रेमेडीज आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जैसे कि अफेयर्स किसी और का किसी के साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है तो उसके कैसे रेमेडीज हैं,
किस किस प्रकार के रेमेडीज हैं, ये टोटल चीज आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और कैसे ये काम किया करता है, इसके प्रोसेस क्या है, ये टोटल चीज आपको बताया जाएगा और इसको सीख कर आप अपने लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। और ये हर आदमी को और हर आदमी के लिए दोनों चीज जरूरी है। आप अपने ग्रोथ में भी इसका कर सकते हैं काम, या अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब इस सब का प्रयोग कब आता है, जैसे कि किसी भी आदमी का 8 नंबर अगर होगा, ड्राइवर या कंडक्टर, जैसे 1 8 हुआ 8 1 हुआ, 8 नंबर कहीं भी अगर आया तो उसमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं है कि सनी प्रॉब्लम ही लेकर देता है। मैंने सदे साथी में बहुत अच्छा ग्रो देखा है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल अगर फेमस कर लेते हैं तो MS धोनी, सदे साथी में ही उसने जो है वर्ल्ड कप जीता था। तो सनी ऐसा नहीं है कि सब खराब ही करता है, बट वो थोड़ा सा स्ट्रगल नंबर होता है और ये अच्छा भी करके देता है, लेकिन लास्ट में देता है। शुरू में अगर भाग खोलना चाहते हैं तो उसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा आप खोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर आप अपना सॉल्यूशंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप तंत्रों के द्वारा भी इसका सॉल्यूशंस होता है। इसके बाद आता है फेस रीडिंग। अब फेस रीडिंग क्या होता है, तो फेस रीडिंग होता है कि किसी भी जातक के फेस को देखकर उसका उसके बारे में कैसे पता करें। जैसे फेस को देखकर उसके ग्रहों के बारे में भी पता किया जा सकता है। जैसे अगर किसी भी जातक का हमने बाल देखा तो बाल देखकर उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहीं पे हम आपको दिखाते हैं कि बाल हर आदमी का काला होता है, कुछ आदमी का और बाय मतलब कि कुछ आदमी का आजकल जो है एनवायरमेंट एनर्जी के कारण भी बहुत कम उम्र में जो है बाल झड़ने लगता है या बाल उजला होने लगता है। तो बालों के द्वारा जो है तांत्रिक क्रिया बहुत ज्यादा होती है। तो बाल को देखकर आप किसी के ग्रहों के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसका ग्रह जहां पे होगा इस स्थिति में होगा। आप उसके कुंडली को बना सकते हैं, इतना पावर है फेस रीडिंग में। जैसे कि अगर काल पुरुष की कुंडली आती है तो काल पुरुष की कुंडली, सबको जिनको कुंडली का ज्ञान होगा, 12 घर होता है। अगर सपोज कीजिए कि आपके लेफ्ट साइड में कटफट का निशान है तो राहु का और सूर्य की युति होगा, राहु केतु और सूर्य की युति होगा 8वें से 12वें घर के बीच में। अगर राइट साइड में है तो 1वें से 7वें घर में जो है सन बुध और राहु की युति होगा, या ये तीनों में से तीनों का तीनों खराब होगा, या तो सन नीच का होगा, या तो क्योंकि होगा प्लेसमेंट इसी 1 से 7 नंबर के घर तक में ही। अगर न्यूमरोलॉजी के चार्ट में जाते हैं तो वहां पे बुध अच्छी स्थिति में होगा या बुध खराब भी हो सकता है। और अगर सेंटर है तो यहाँ पे जो है थोड़ा भाग्येश को कमजोर करता है, या भाग्येश जो है आपको शुक्र हो सकता है या गुरु हो सकता है। तो किसी भी जातक का जो है आप कुंडली तक का प्रिडिक्शंस किसी के फेस को देखकर पता कर सकते हैं। अब फेस में क्या क्या चीज देखते हैं, जैसे चेहरा होता है, आंख होता है, भौहें होती है, कान, नाक, होठ, माथा, जबड़ा, बाल, ये सब जो होती है इसके द्वारा किसी भी जातक का जो है बहुत अच्छा काम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और उसके बारे में आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यहाँ पर चेहरा जो है आंख को देखकर, जैसे किसी का लड़की है और लड़का का शादी हुआ है और लड़की आपके घर में आती है, अगर अंगूठा के बगल वाला उंगली अगर बड़ा है तो वो आपके घर में जो है डोमिनेट करना चाहेगा, आपके के घर में जो है मालिक बनना चाहेगा। लेकिन उसका पॉजिटिव चीज ये भी है कि वो आपके घर को उत्थान करने का भी काम करेगी। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे निगेटिव भी है। तो ये सब चीज जो है हम फेस रीडिंग में समझने का काम करते हैं। ओके, अगर हमको अभी होता है तो हम आपको दिखा देते हैं। आपका यहाँ पे देख लीजिए कि ये रहा 3 और 4 और 1 1 का कॉम्बिनेशंस, जो कमेंट में लिखे थे 4 और 1 का कॉम्बिनेशंस, ये यहाँ पे हमने आपको लिख दिया 4 या 1 का।
फोर या वन का जो कम्बिनेशन देखे वो आप यहाँ पे लिख दिए, तो ये आप अपने बारे में बता सकते हैं कितना। और इस प्रकार एक ही यही नहीं है, उसके प्रकार जो है आपको यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक ही बुक नहीं लिखा है, यहाँ पर जो है मुलांग के बारे में है। ये आप ऐप पर जाएंगे, घर संसार ऐप है एक, ये करीबन 700-800, वहां पे करीबन 5000 पेजेस का बुक आपको मिलेगा, 1214 एक पेजेस, एक मतलब की कैटेगरी में 1200-1300 पेजेस के बुक मिलेंगे आप वहां पर भी जाकर जो है घर से। लेकिन वो सब पेड होगा, आप परचेज करना पड़ेगा, 100 या 150 रुपये या 200 रुपये में होगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। घर संसार ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको ये लोगो मिल जाएगा, इस लोगो में जो है आप जाके अंदर आप उसके कोर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्या है नहीं है। तो यहाँ पे 5 नंबर के बारे में है, किन्नी का अगर जन्मांक मूलांक 5 अगर 6 है तो उनके बारे में भी आप समझ सकते हैं, किन्नी का अगर 1-2 है तो उनके बारे में, ये यूनिवर्सल है, ये सबके बारे में है। और ये चीज अगर आप नोमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए हैं या सीखना चाहते हैं तो भी जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है किसी भी जातक के लिए। पहला नाम जो है विपिन वर्मा जी, विपिन वर्मा जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों चीज जो है लेके रखिएगा और वो ग्रुप जो है आपको खोल दिया जाएगा। आप उस ग्रुप में या आपका जो है यहाँ पे माइक ऑन किया जाएगा, आप उसको बता दीजिएगा उमेश वर्मा जी। अब यहाँ पर जो है हमने ये चीज समझा, इसको समझने का काम किए, यहाँ पर जो है टोटल चीज समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेस रीडिंग भी है, फेस रीडिंग के बारे में भी जान सकते हैं। अब इसके लिए जो है हमने आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पे नंबर्स देखना बहुत जरूरी होता है, और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक मेन चीज हम आपको बता देते हैं कि जो चीज हमें समझना बहुत जरूरी होता है वो नंबर है कि किसी भी आदमी को लाइफ में सफल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे नंबर अगर नहीं है 5-6 तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ में सफलता नहीं मिलेगा या सफलता होने का चांस जो है बहुत कम है, ऐसा नहीं है। कुछ नंबर्स हमको यहाँ पर देखना पड़ता है, और अगर ये सब नंबर है तो आप अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम यहाँ पर लेंगे तो आप उसमें समझ सकते हैं कि कैसे लेंगे, जैसे जिनका नाम आता है तो हम जरूर उनका चार्ट लेंगे, और कोई भी आदमी उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो है 369, जैसे कि अगर आपके चार्ट में 6 नहीं है, सपोज कीजिए 6 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 33 है तो, अगर 9 नहीं है आपके चार्ट में, या सपोज कीजिए 6 और 3 है, 9 अगर नहीं है चार्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 नहीं है और स्त्री तत्व का 4 नंबर है, स्त्री तत्व ऐसे होता है 4, उसके बाद 2, 6 और 8, ये अगर 4 नंबर है तो ऑलरेडी आपका जो है ये काम कर देगा। 5 नंबर, ऐसा जरूरत नहीं है कि 5 नंबर आपके चार्ट में है तभी आप बड़ा बन सकते हैं या अच्छा। हाँ, वाइब्रेशन जरूरी है, वाइब्रेशन जरूरी है, और किसी भी जातक को सफल होने के लिए मात्र 4 नंबर की जरूरत होती है। 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर अगर आपके पास में है सफल हो जाएंगे। बस इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए बस कुछ चीज पता लगाना पड़ता है, जैसे कि 0 से लेकर 55 साल तक में जो एज है, किस एज में जातक है सबसे पहले ये देख लीजिए, और कौन सा नंबर उसका स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 4-5 नंबर है, जैसे कि सपोज कीजिए मून का 2 नंबर है, वीनस है, मरकरी है, सन है, बुध है, जुपिटर है। बस यही नंबर आपके चार्ट में अगर वाइब्रेटिंग है या अगर नहीं भी है तो कहीं से भी अगर लेकर दे दिए, चाहे वो मोबाइल नंबर से, कार नंबर से, कहीं भी से भी लेकर दे दिया गया, आप सफल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें यह भी देखा जाता है कि आपका नामकरण करने से पहले जिस भी जातक का आप कर रहे हैं
उसका नाम किससे शुरू है फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग अगर ये नाम नहीं है, अगर सपोज कीजिए ये नंबर नहीं है, तो आप उस नंबर को ला कर दीजिए। रेमेडीज तो काम करता है, बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। रेमेडीज काम करता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रेमेडीज अच्छा काम करता है। लेकिन अगर बाय चांस अगर ये नंबर है, तो हम सबसे पहले जातक को बोलते हैं कि आप जो है नंबर को वाइब्रेशंस ला लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। नंबर का वाइब्रेशंस ही बहुत अच्छा काम करेगा आपके साथ, क्योंकि वो लाइफ टाइम रहेगा। जैसे कि कुछ नंबर जैसे 5 का है या 3 का है या 2 का है, ये सब का वाइब्रेशंस भी अगर ले आते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर से या जैसे भी लाते हैं कार नंबर से, ये बहुत अच्छा काम करता है। रेमेडीज आज किए, हो सकता है उसकी दशा या अंतर दशा नंबरोलॉजी के हिसाब से अगर चला गया तो फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन वाइब्रेशन दे दिया तो बहुत अच्छा काम करेगा आगे चल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति जी, दूसरा नाम जो है स्वाति जी, स्वाति जी पूरा नाम लिखकर भेजिए। स्वाति जी का पूरा नाम भेजिए। स्वाति जी आपके पास में डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस होगा, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब आपको बताया जाएगा। तो जब भी कोई आदमी सफल होता है तो इसके लिए जरूरी होता है ये 4-5 मेजर जो ग्रह है, ये जरूरी है। और जैसे कि हेल्थ इश्यूज आते हैं तो हेल्थ इश्यूज के द्वारा भी हम किसी भी जातक के बारे में, और यही नहीं किसी भी जातक के आप उसका फर्स्ट लवर का नाम पता लगा सकते हैं, उसके जो किस साल में उसका जो है पहला प्यार हुआ था, यहां तक कि अगर ट्रेनर प्रोग्राम है उसमें माता पिता का भी नाम पता कर सकते हैं कि उसके माता पिता का पहला अक्षर या पहले लवर का नाम क्या है। यहां तक स्वीटी जा सकता है, यहाँ पे पत्नी तक, क्योंकि ये नोमोलॉजी की खूबसूरती है और ये आपको कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं भी नोमोलॉजी में जाइए आप, क्योंकि आपको सिर्फ लोसोगीट के बारे में बताया जाएगा कि भाई लोसोगीट में ये नंबर है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये नंबर है तो ये नंबर की वाइब्रेशन, क्योंकि नोमोलॉजी देखकर बहुत कुछ पता लगाना हमें सबसे पहले जरूरी होता है, और वाइब्रेशन तो जरूरी है जो कि नाम के द्वारा, जो कि हम आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो ये इसके द्वारा किसी भी जातक का सोल्यूशन भी किया जा सकता है, और आप अपना भी कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें जो है फेस रीडिंग हुआ या ये जो भी है, इसके लिए जो है हमने आप लोगों के लिए लाया है ये 7 घंटे का जो है, जिसमें 7 घंटे में आपको लोसोगीट, आपका नाम चेंज करना, आपके फैमिली का नाम चेंज करना बेसिक लेवल पर आप सीख जाएं, क्योंकि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है ये टोटल चीज आपको बताया जाएगा। फेस रीडिंग, चाहे वो तांत्रिक नोमोलॉजी हो, एक दिन फेस रीडिंग 1 घंटे का क्लासेस होगा, 1 घंटे का जो होगा तांत्रिक नोमोलॉजी का होगा, और 5 दिन जो है ये नोमोलॉजी के क्लासेस होंगे। अब इसमें जो भी जातक, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, अगर करना चाहते हैं ये 7 दिन के प्रोग्राम जो भी है, अगर करना चाहते हैं कोई भी जातक अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 दिन का प्रोग्राम है और कोई भी जातक अगर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, जिसमें आप अपने नाम के बारे में कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है ये टोटल चीज आपको पता चल जाएगा। अगर इसके आगे हम चलते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए और घर संसार डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी करना चाहते हैं, जो भी जातक करना चाहते हैं, उनका जो है सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी और घर का डायरेक्शंस और प्रोफेशंस, ये जरूरी होता है। ये अगर आपके पास में है, या अगर आप सपोज कीजिए किन्हीं के पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कहीं कहीं जो है हाथ का फोटो भी काम करता है। ऐसे हाथ का फोटो सबको देना है, लेकिन अगर टाइमिंग नहीं है तो हाथ का फोटो जो है बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए।
अब ये 7 डेज का जो ये प्रोग्राम है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी जो है सबसे पहले जो है उमेश जी हैं क्या यहाँ पे? उमेश वर्मा, उमेश वर्मा जी अगर हैं तो आप हाँ उमेश वर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उमेश वर्मा जी हैं क्या? उसके बाद स्वाति जी हैं, स्वाति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्वाति जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे मैम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 जून 1987। ओके। आपका सवाल क्या है मैम? सर मेरी जॉब के लिए। आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया है? नहीं, कभी नहीं किया है बिजनेस। बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हैं? किस चीज का? सुख से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। किस चीज से रिलेटेड सर? सिक्स नंबर से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड, क्योंकि देखिए जॉब जो है ना, जॉब में बहुत स्टेबल रह के काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इस चार्ट में बिजनेस बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि जॉब में स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेगी, अदरवाइज जॉब है जॉब कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा जॉब से अगर अच्छा अगर बिजनेस अगर कर लेते हैं, या सपोज कीजिए टीचिंग के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। टीचिंग के क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली सर मेरा एक मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता रहता है, तो मेरी एक जगह कहीं फिक्स नहीं रहती हूँ, तो उस केस में बिजनेस थोड़ा मुश्किल है। आपका हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर उनकी एक्चुअली सही डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है, बट okay. जिससे हमारी कुंडली मिलाई गई थी वो 27 नवंबर 1984। नाम बता सकते हैं सर उनका? नाम बताइए। विनोद महेश्वरी। ठीक है मैम, ये इसमें जो है सही डिटेल अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, लेकिन आप में जो है जॉब कर रहे हैं ना, कहीं स्टेबल होके जॉब इसमें नहीं है जो बात है। अगर आप करना चाहते हैं ना स्टेबल होकर, सूर्य भगवान को जल दीजिए, ये स्टेबल वाली जॉब दे देगी, समझे क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान का भी आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है, क्योंकि आप सुबह में उठते ही नहीं है, क्योंकि 2 नंबर को लेके जो है ये दिक्कत देता है, क्योंकि 2 नंबर जहीं भी एक्टिव होता है तो आदमी थोड़ा सा जो है मन चंचल होना या सुबह में लेजीनेस की थोड़ी सी जो है स्थिति लाता है आदमी में, तो सुबह में आप उठने का कोशिश कीजिए। अगर सूर्य भगवान को जल देते हैं तो ये अच्छा काम करेगा आपके लिए, समझे क्या? और इसमें जो है 3 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये लेके आइए, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। सर 3 नंबर 7 नंबर मतलब कैसे लाना होगा? 3 नंबर मोबाइल नंबर से हुआ या जहां से भी लेके आते हैं मोबाइल नंबर, ये सब नंबर लेके आएंगे। मोबाइल नंबर में है सर 3 नंबर? नहीं, उसका जोर देखिए कि जोर कितने पे आता है, जो भी नंबर आपका है। अच्छा, यहाँ पे नंबर बताइए। जी जी, उसका जोर अगर पता है तो बता दीजिए। एक सेकंड बता रहे सर। अगर नंबर का जोर है तो बता दीजिए। बता रहे सर, एक मिनट बता रहे।
सिक्स इससे सिक्स है तो तीन पे लेके आए, सिक्स भी ठीक है पर तीन पे लेके आइए, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। लेकिन आप जो जॉब से एक बार हम यही बोलेंगे कि एक बार जो है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि अगर आपके हस्बैंड भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने नाम पे बिजनेस एक बार करवाइए, समझे गए? क्योंकि सर इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसको पकड़ना होता है, अगर उस चीज को पकड़ लिए ना तो आप आगे चले जाएंगे। अब जो हमारे चार्ट में नहीं है हम उसका रेमेडीज करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, फिर वो कब एक्टिव होगा वो तो आप जानते नहीं है। तो इसमें ये चीज देखिएगा कि कौन सा नंबर हमें चाहिए, जो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बिजनेस है। तो बिजनेस जैसे कि शुक्र रिलेटेड जो भी बिजनेस, परफ्यूम का काम होता है, कपड़े का काम होता है, ये सब काम आप कीजिए, बहुत अच्छा काम करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अभी जो है अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे कितने आदमी है जो कि ये 7 दिन का जो है ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें आप जो हमने आपको बताया 1 दिन फेस रीडिंग, 1 दिन तांत्रिक न्यूमरोलॉजी और 5 दिन जो है न्यूमरोलॉजी का के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप अपने नाम के बारे में, उस रेमेडीज के बारे में बेसिक लेवल पर आप सीख सकते हैं। कितने आदमी हैं जो कि चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? सतीश कुमार सिन्हा सर, प्राइस क्या, बहुत चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मी सर, प्रीत जी बोल रहे हैं मी सर, बहुत बहुत सपना जी मी सर, आप चैट बॉक्स कॉल सर, कॉल तो हम किसी को नहीं करते, कॉल जाएगा ऐसा दिक्कत नहीं है, ये जाएगा कॉल आएगा कल हो सकता है तो, या कॉल की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स में आपका नंबर भी नहीं रहेगा और कोई कॉल आपको यहाँ चैट बॉक्स से कोई नंबर नहीं आती है। तो अगर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बताने के लिए अमोल जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये श्योर हो जाएं कि आपके पास में सर्टिफिकेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर की दिशा, जिस घर से जब आप निकलते हैं, गेट से जब निकलते हैं तो वो किस डायरेक्शन में निकलते हैं, और आपका प्रोफेशन आप जरूर जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1500 रुपीज। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता यादव जी बताने के लिए। अब कोई आदमी है 1500 इसका है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जी सर बता रहे हैं। अभी देखिए 1500 इसका है, अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। सर पता है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। प्रीत सावंत जी, जी सर बहुत बहुत, विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, विपिन वर्मा जी, विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तीतल जी, जो उमेश वर्मा जी, आप जरूर कैमरा ऑन करके रखिएगा। चंद्र प्रकाश जी, टोटल प्राइस क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर 1500 है तो कितना आदमी करना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रेमेडीज बताया जाएगा, रेमेडीज बताया जाएगा सर, मुकेश के सोनी जी रेमेडीज बताया जाएगा। कोई आदमी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा कम हो सकता है कि, यस सर बहुत बहुत, मैं चंद्र प्रकाश करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई भी जातक अगर करना चाहते हैं तो आज जो आपके लिए जो है एनर्जी एक्सचेंज जो रखे हैं ये 12 बजे रात तक रहेगा, और इसमें जो है 499 रुपीज है। ये 7 डेज के क्लासेस जो है ये 499 में है, और इसमें जो है विथ रिकॉर्डिंग 699 है, और सर्टिफिकेट के साथ में चाहिए तो 899। आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। शर्मा जी सर्टिफिकेट भी है, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं है। हमने आप कितना आदमी, ये जो ऑफर है ये आज 12 बजे रात तक की है,
अगर कोई भी आदमी करना चाहते हैं तो 12 बजे रात तक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी देखिए इसके अलावा, और ये क्लासेस जो है ये मंडे से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिन के क्लासेस होंगे और ये कोर्स मंडे को शुरू होगा। और इसके अलावा कोई आदमी अगर करना चाहते हैं तो 7 दिन के क्लासेस के अलावा इसमें जो होगा मोबाइल नंबर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कार नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा, ईमेल आईडी के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिटी नेम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये टोटल जो है 12 क्लासेस आपको होंगे, टोटल 12 क्लासेस होंगे और इसका जो चार्ज होगा वो 1500 रुपया होगा। इसकी कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं दी जाएगी। और इसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो भी लेना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, 499 भी है, 699 भी है और 899 की है। और अगर करते हैं तो आप इस नंबर पे कर दीजिए 8669178114। और इस नंबर पे करने के बाद इसी नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो वहां पे जो ग्रुप का लिस्ट मिलेगा उस ग्रुप में आप चले जाइए, और ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं अपना टोटल डिटेल, या जहां पे आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं वहां भी आप अपना डिटेल टोटल चीज डाल सकते हैं। कोई भी आदमी अगर करना चाहते हैं तो यहां पे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यहां पर जो है बता दिया गया आप लोगों को, और ये इंफॉर्मेशन जो है आपको ग्रुप में भी बता दिया जा रहा है, इसमें टोटल 12 क्लासेस में जो है उसमें जो है चार्ज रहेगा 1500, और वहां पर जो है 7 दिन के क्लासेस रहेगा, इसमें 5 दिन जो बढ़ेगा इसमें जो है मोबाइल नंबर, कार नंबर, ईमेल आईडी और सिटी नेम इसके बारे में बताया जाएगा। और ये आदमी वही करें जिनको नोमोलॉजी के बारे में पता होगा या हमसे क्रैश कोर्स किए होंगे, उन्हीं के लिए ये है। न्यू स्टूडेंट अगर आएंगे तो ये दिक्कत करेगा। टोटल चीज, हाँ सर, इसमें जो है क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर एक बार रिपीट करेंगे, माया जी क्या पूछना चाहते हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। माया शर्मा अगर कैमरा ऑन है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मुकेश अजोशी जी क्या पूछना चाहते हैं। माया शर्मा जी 800 में क्या क्या कवर होगा। 800 में जो है आप अपने नाम को जान सकते हैं, आप अपने नाम को सही कर सकते हैं, नंबर्स के बारे में बताया जाएगा और रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा। आप बेसिक लेवल पे आप अपने घर के हर आदमी का जो है प्रिडिक्शंस कर सकते हैं 7 दिन के क्लासेस में। सर्टिफिकेट मिलेगा, यस सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा जो नाम है वो नाम है उमेश वर्मा जी। उमेश वर्मा जी हैं क्या? उमेश वर्मा जी अगर हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले तो आप हमको दिखेंगे तभी तो। 499 में भी वही चीज है बट उसके रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगा। मुकेश के सोनी जी, दिलजीत सोनी, दिलजीत सिंह जी जो हैं ये हमारे ट्रेनर प्रोग्राम में हैं। दिलजीत सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ये हमारे क्रैश कोर्स में ये हमसे ट्रेनर प्रोग्राम कर रहे हैं और ये अच्छे तरह से प्रिडिक्शंस भी करते हैं, और कोई भी डिटेल अगर पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। नमस्कार सब साथियों को, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर मेरे साथियों आप लोग क्लास अटेंड करो और अपनी इस लाइफ के अंदर चेंजेस कर लोगे कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी में क्या क्या है हम सब कुछ जान सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी संभाल लेंगे, भटकेंगे नहीं। ओके अगर किसी के पास में क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा जो है दिलजीत सिंह आप लोगों को सॉल्व करेंगे, आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये ट्रेनर प्रोग्राम करते हैं जिसमें है, इन्होंने तांत्रिक नोमोलॉजी कर रखा है,
नोमोलॉजी इनका पूरा जो है खत्म होने वाला है करीबन, कितना नोमोलॉजी का कितना टाइम गया है सर अभी आपका दिलजीत सिंह जी? काफी टाइम हो गया सर, कितना महीना हुआ है सर 1 साल तो ही रहा है। ओके, इसमें फेस रीडिंग भी आप उन्होंने सीखा है, तो जिनके पास में कोई भी सवाल है तो उनसे पूछ सकते हैं हम। हाँ मुकेश जोशी जी बोलिए, क्या बात क्या बताना चाहते हैं मुकेश जोशी जी? सर मुझे ये पूछना है हाँ कि मैं अभी तो लाई हूँ आपके सामने, तो मेरा फेस रीडिंग देखिए मेरा प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या दिलजीत सिंह जी? दिलजीत सिंह जी बताइए। सर मैं फेस रीडिंग वाली क्लासेस में नहीं था, मैं न्यूमरोलॉजी आप अपना डिटेल बताइए सर, डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1978। डेट ऑफ बर्थ सर 3:20 और जन्म स्थान है मेरा नांदेड़ महाराष्ट्र। दिलजीत सिंह जी बताइए। एक वन मिनट सर, वन मिनट कॉपी पेन ले रहा हूँ। नाम है नोमोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1978। वो नोमोलॉजी ही बताएंगे, वो नोमोलॉजी के एक्सपर्ट है और नोमोलॉजी से आपके सॉल्यूशंस कर दिए जाएंगे। सर बताएंगे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे सर? 17/3/1978 17/3/1978 आपको सर अपना ड्राइवर नंबर पता है? ड्राइवर नंबर मेरा सर 8 है सर। और कनेक्टर? कंडक्टर नंबर 9 है सर। आठ चार 17/17/25/25/29/37 सर कनेक्टर एक बैठ रहा है आपका, टोटल आपका 8 + 12 + 12 + 22 + 13 + 13 + 22 + 23 = 37 देखिएगा सर 37 बैठ रहा है आपका। एक मिनट सर, 17 ये 8 है, 8 + 15 होगा ये 15 + 10 = 25 + 25 + 10 = 35 + 1 = 36 36 आएगा सर मेरा। 17/4/1978 आ रहा ना सर अपनी डेट ऑफ बर्थ ले भाई मुझे। 17/4 नहीं सर, 17/3 है 33। सॉरी 36/9/25/3/28/28/8 = 36 9 आ गया ना सर? हाँ 9 वही तो है सर 9। ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 9। ठीक है ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। हाँ धन्यवाद सर। सर आप अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशन में अच्छे हैं और आपके पास सर पूरे हार्ड नंबर हैं, लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रांग रहेंगे, काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लाइफ के अंदर स्ट्रगल आपके साथ रहेगी, वो तो अभी भी आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप को ढीला अगर अपने आप में ढीलापन रहेंगे लाइफ के अंदर, आलस दिखाएंगे तो और नुकसान होता चला जाएगा सर। जो आपके कर्माज हैं जो आपको प्रॉफिट देने वाले हैं वो आपके ढीलेपन से आपको नहीं देंगे, नुकसान हो जाएगा सर आपको। बिजनेस करना अच्छा रहेगा या जॉब करना अच्छा रहेगा? मेरा नंबर सॉरी मुझे बिजनेस में अच्छा सक्सेस मिलेगा या जॉब में सक्सेस अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ सर फिलहाल। बिजनेस में जानवरों की दवा जो वेटरनरी मेडिसिन रहता है उसमें काम कर रहा हूँ मैं, मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मार्केट में आउटस्टैंडिंग ज्यादा रहने की वजह से थोड़ा स्लो हो गया हूँ सर। सर वो तो आपकी अपनी गलती है, मार्केटिंग आउटस्टैंडिंग करनी नहीं है, उधार देना नहीं है, पैसा फंस जाएगा। सर यहाँ का फार्मास्यूटिकल मार्केट का वही तो हाल है सर। कौन सी स्टेट में? नांदेड़ आपने बताया, सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बताया ना,
सर कोशिश कीजिए, आपकी एज जो हो गई सर 80 और 44 साल के आप हो गए सर, ओकल्ट में आ जाइए। बिजनेस के साथ साथ सर आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर कीजिए, अपनी नॉलेज को दीजिए, जो आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस है उसको बांटिए सर। ओके, क्योंकि किसी के अंडर आप काम नहीं कर सकते, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते सर। इसमें कितना परसेंट आपके साथ 8 और 9 के बारे में यहाँ जो है कितना परसेंट मिल रहा है सर? सर ये तो अभी सर ने जो बताया वो 90% तो मैच हुआ है सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दिलजीत सिंह जी बताने के लिए। सर दिलजीत सिंह का नंबर मिलेगा सर? सर दिलजीत सिंह जो है मिलेगा ना, दिलजीत सिंह का नंबर आपको दे दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा, ये निस्वार्थ जो है हेल्प करते हैं, गुरुद्वारे में काम करते हैं पंजाब में, दिल्ली में सर, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली सर, दिल्ली में, कोई भी दिल्ली से है तो कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी अगर जो भी अमित अमृता जी आपने जो पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट भेजने के साथ साथ जो है ये डिटेल जरूर भेजिए। ये डिटेल अगर नहीं भेजेंगे तो दिक्कत करेगा आपको, ये डिटेल जो है ये जरूर भेजना है। सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर की दिशा और प्रोफेशन, क्योंकि यही जो है आपको ये जरूरत है। और उसके साथ साथ जो है आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा और उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। और ये जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज जो है कल से शुरू हो जाएगा। मोबाइल नंबर का, कार नंबर का, ईमेल आईडी का, सिटी नेम कैसे पता करना है, कैसे आपका निकालना है, किसी दूसरे का निकालना है, ये टोटल चीज जो है ये कल से शुरू हो जाएगा। और ये जो है 12 दिन के क्लासेस होंगे और इसका क्लासेस जो है ये मंडे से शुरू होगा। कोई भी आदमी अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं या इस पे पेमेंट कर सकते हैं, या इसी नंबर पर जो है आपको पेमेंट भेज देना है। जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही नंबर पे आपको भेज देना है। और ये 12 बजे तक आपको है, और 12 बजे के बाद जो है आपको फिर से जो है ये 1500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आदमी पेमेंट करते हैं तो उस ग्रुप का लिंक जरूर ले लीजिएगा और मेल आईडी जरूर भेज दीजिएगा, ये जरूरी है। किन्हीं को अगर कोर्स से रिलेटेड या पैसा पेमेंट करने में किन्हीं को प्रॉब्लम्स हो रहा है तो बता सकते हैं। कोर्स रिलेटेड किन्हीं को इश्यूज है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस है तो। कोई भी क्वेश्चंस है तो लिख सकते हैं। कोर्स रिलेटेड जिनको कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, जिनको भी प्रॉब्लम्स है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं के पास में इश्यूज है तो बता सकते हैं, जिनको कोई कुछ समझ में नहीं आया है। डी, हाँ हाँ वो भी पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में भी पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी जो डिटेल भेज देखा जा रहा था 17/3/1978, अगर आप ये अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। 17/3/1978 नाम हमको नहीं पता, ये उपाय बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। हम आपको ग्रुप में ये डाल देते हैं जिनका भी है ये। सत्रह तीन 1978 बहुत बहुत जिनको को क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनको किन्हीं को अगर प्रॉब्लम्स कुछ भी अगर हो रहा है तो। हाँ अमोल जोशी जी, आपको जो है वो आपका ही डेट ऑफ बर्थ 17/3/1978। हाँ वो जी जो है उपाय आप कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करेगा। मेहता जी, आपने जो पेमेंट किया है 899, पेमेंट करने के बाद जो है आप स्क्रीन भेजिए, स्क्रीन शॉट नहीं भेजेंगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है ये पेमेंट वैलिड नहीं होगा। इसके बाद जो है आपको फिर से 1500 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा पैसा। तो इससे अच्छा है कि आप जो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद जो है आप जरूर स्क्रीन शॉट भेजिए। और किसी के पास में कोई सवाल है? किसी के पास कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके कॉल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो बता सकते हैं। आपके पास टाइम है, हाँ बोल जोशी जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर मुझे मेरा प्रेडिक्शन करा के लेना है समझो आपसे, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है सर उसका? प्रिडिक्शंस अगर करना है चाहते हैं तो आप एक पहले तो आप क्लास में आ जाइए, अगर वो करवाना चाहते हो तो बेसिक लेवल पे आ जाएगा, प्रिडिक्शंस हो जाएगा। अगर प्रिडिक्शंस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतना डिटेल लगेगा, डिटेल आपको पता है यहाँ पे, ये इतना डिटेल लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हाथ का पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ, हार्ट का पिक, DOB, अपोजिट सेक्स का, आपके वाइफ का, उसके बाद गेट का डायरेक्शन, इतना 10 जो पॉइंट है अगर आपके पास में है तो आप प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। सर मैंने अभी पेमेंट करने का कोशिश किया लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है वो, और ये 899 के लिए क्या प्रॉब्लम? 899 का जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे अपना ये जो डिटेल है ना वो डिटेल भेजिए, क्योंकि मेल आईडी जरूरी है, क्योंकि वो एक्टिवेशन मेल आईडी ही होता है, ये जो मेल आईडी है, मेल आईडी पे ये सॉरी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये आप भेज दीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको भी पेमेंट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, किन्हीं को भी अगर कोई इशू आ रहा है तो बता सकते हैं। हेलो हेलो जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, एक छोटा सा सवाल था कि एक स्टूडेंट है, उसका मूलांक 3 है, भाग्यांक 2 है, तो उसको कौन सी लाइन में जानना चाहिए? ये देखिए, हम कंसल्टेंसी 2 ही आदमी का करते हैं, कंसल्टेंसी के लिए हम अब यहाँ पे चार्जेस हमने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ ये जो है आपको अगले वेबिनार में आना पड़ेगा और वहाँ पे जो है कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और कैमरा ऑन रखेंगे 100% हम 2 आदमी का सिलेक्शन करते हैं और उसका करके देते हैं। जो भी 2 आदमी का है, इनके पास में पिंग में अगर नंबर होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन का कोर्स कौन सा है? 5 दिन का कोर्स नहीं है, वो टोटल 12 दिन का। चंद्र प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, चंद्र प्रकाश जी क्या पूछना चाहते हैं? अमरेश जी आपने जैसे कहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। वो जिन्होंने पहले अर्ध ज्योतिष का, हाँ जी हाँ अभी बोलिए, बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि 5 दिन का कोर्स वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले अंक शास्त्र का कोर्स किया हो। हाँ तो मैंने नहीं किया, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं सर, तब नहीं होगा, तब आपको जो है
ये दो दिन का नहीं, आपको पहले क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि नोमोलॉजी का जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक मोबाइल नंबर आप कर नहीं पाएंगे कि किसको कौन सा मोबाइल नंबर की जरूरत है। तो क्रैश कोर्स के लिए क्या करना होगा सर? वही 8999 का, लेकिन आपका उसमें ठीक है 1500 रुपया पेमेंट करके आ सकते हैं और फिर नेक्स्ट बैच में बैठ सकते हैं आप। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं के पास में कोई सवाल है? बहुत बहुत रितेश जी, आपने जो पेमेंट किया है आप स्क्रीनशॉट भेजिए। रितेश जी मेल आईडी जरूर भेजिए, आपने डेट और गेट का डायरेक्शन दिया है बट आपने जो है वो नहीं भेजा है, ईमेल आईडी नहीं भेजा है। हाँ दिनेश जी, क्या सवाल है पूछ सकते हैं? आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी वेबिनार बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी मैं जैसे अभी आप, हाँ मैं अभी आपसे बताऊंगा मेरे, और एक ना जैसे दिन को नींद आती क्या उपाय करें, और वैसे मैं न्यूमरोलॉजी का जानकारी हूँ, मतलब बेसिक में न करके भी आपका कोर्स में सीख सकता हूँ, मुझे इतना विश्वास है, अभी मेरी रुचि है आप। ओके ओके, तो आप आ जाइए, आप सीखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जैसे अगले सप्ते में बिजी हूँ तो मैं, हाँ तो उसके अगले सप्ते आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो सर, ओके ओके, ठीक है सर। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? हाँ सर, हाँ बोलिए सर, मैं अभी बाहर हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं एक हफ्ते बाद मैं पहुंचूंगा घर, तो सर वहां से तब मैं सीख सकता हूँ सर? फीस कहिए तो मैं अभी जमा कर दूंगा जो 499 वाली है। हाँ तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में कर सकते हैं ना कोर्स? दोनों बार कर सकते हैं, इसमें अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो अगले बारे में आप बोल सकते हैं, तो उसमें प्रेजेंट हो जाइए। तो ये 7 दिन का कोर्स है जो आप बता रहे थे, तो 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं सर, इसके बाद अगर इसके बाद जो 5 दिन का आप जो बाद में बता रहे थे वो बाद में उसकी फीस जमा करते वो बाद में कर लेंगे सर? हाँ, लेकिन जो वो जो मोबाइल नंबर का है ना वो कल से ही शुरू हो रहा है, मोबाइल नंबर ये सब कार नंबर का जो है ना, और वो 499 जो है आपका उसमें माइनस हो जाएगा ना, या तो 1500 कीजिए या वो कीजिए, दोनों बराबर ही है। तो मैं पहले भी 499 करूं, उसके बाद ये कल वाला कल नहीं कर पाऊंगा सर मैं यहाँ? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीक में कर लीजिए पेमेंट। हाँ, कभी भी कीजिए, कोई हर वीक में ये चालू रहता है, मतलब एक सर, मेरा कभी... नाम, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम अभी आपने उसमें साथ स्क्रीन पे लिया था बताने, हाँ, के लिए सर, तो सर थोड़ा बता दीजिए सर। सर आपका नाम विपिन वर्मा, दो नाम भी उमेश वर्मा था सर? हाँ उमेश वर्मा था, विपिन वर्मा भी था। ओके तो ठीक है सर, आपको कॉल आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका आपने सही नंबर दे के लॉगिन किया है ना? हाँ सर, नहीं नंबर तो सर मैंने दूसरे मोबाइल पे है, ये दूसरे मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ। हाँ तो जिस नंबर से लॉगिन किए होंगे ना उस नंबर पे कॉल आ जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, 9955691444 से। हाँ हाँ, जिस जो भी नंबर से किए होंगे उस नंबर पे कॉल आ जाएगा। तो विपिन वर्मा नाम है ना करने के लिए? हाँ सर। ओके तो सर मैं पेमेंट कैसे करूँ, जरा रास्ता बता दीजिए तरीका। विपिन वर्मा जी, आपका जो पेमेंट का है ना ये हम आपको बताए ना, ये स्क्रीन शॉट है, यहाँ पे जो है ये नंबर है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। क्या ग्रुप में लिखा आपने? ग्रुप में दे रखा है सर? जी जी, ग्रुप में भी है और यहाँ भी है, और यहाँ पे हाँ जो है ये भी है, फोन पे का ये है, आप इसको भी स्कैन करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोन पे मेरे पास अभी काम नहीं कर रहा, उसमें पैसे नहीं, गूगल पे से कर सकता हूँ? हाँ तो वो भी चलेगा, वो भी गूगल पे भी पे भी कर सकते हैं, उसमें नंबर है यहाँ पे 8669 करके, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मैं गूगल पे पे आपको करे दे रहा हूँ 499 सर। जी जी, इसमें तो सर डिटेल जो आप मांग रहे थे देने के लिए वो मैं कहाँ पे दूँ? उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए, वहां पे लड़का होगा आपको टोटल ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा देगा। अच्छा, तो जिस पे आपने हमको व्हाट्सएप पे जोड़ा उसी पे दे दूं? हाँ उसी से जोड़ दीजिए।
ठीक है, मैं अभी आपको कर दे रहा हूँ सर। ओके, और किन्हीं के पास कोई सवाल है? हाँ बोलिए अजीत, अजीत सिंह जी। प्रकाश, प्रकाश चंद, प्रकाश चंद्र शर्मा जी स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। प्रकाश चंद्र शर्मा जी वहां पे डिटेल भेजिए और स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दीजिए। अब दिलजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। तो जी सर, इनका थोड़ा प्रेडिक्शंस कीजिए। बोलिए विपिन वर्मा जी का। हाँ विपिन वर्मा जी का कीजिए और अजीत, अजीत सिंह जी डेट ऑफ बर्थ, अलका जोशी जी का कीजिए, जो भी बचे हैं उनका प्रेडिक्शंस कीजिए और जो पैरामीटर आपको दिया गया है उसी पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो पैरामीटर दिया गया है ना उसी पैरामीटर पे आप प्रेडिक्शंस कीजिए। जी विपिन वर्मा जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, वो अनम्यूट, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कीजिए सर विपिन वर्मा जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1968। ठीक है सर। ड्राइवर नंबर 21 है और जो कंडक्टर नंबर है वो 1। विपिन जी, सबसे पहले तो घर संसार परिवार से आपका जुड़ने का बहुत बहुत आभारी हैं और अपनी लाइफ के अंदर चीज करने के लिए। सबसे पहली बात ये कि सर आपके पास 50-50 है, हार्ड नंबर आपके और सॉफ्ट नंबर। हार्ड नंबर के अंदर आपका नंबर वन सूर्य बहुत तेज है और सूर्य तेज होने के साथ साथ आप एजुकेशन लेने में भी बहुत माहिर हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण की आपने जिंदगी के अंदर, बहुत कुछ सीखा और उसको बांटा भी है। लेकिन थोड़ा सा जिसके अंदर अभी आपका कोई एक क्वेश्चन मैं आपका बताता हूँ, फिर पैरामीटर में बहुत लंबा सारा वो बैठ के निकाल लेंगे। अभी आपका कोई एक क्वेश्चन बताइए, आप क्या चाहते हैं सर? मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे सर मेरा व्यापार है, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं बताऊँ किस चीज का बिजनेस करता हूँ या आप बता दीजिए कि मुझे किस चीज का बिजनेस प्रॉफिटेबल है? आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। मैं सर ट्रेवल एजेंसी का काम करता हूँ सर, मैंने बहुत बड़ा काम किया था बहुत शुरुआत से सर, फिर वो काम बंद होता 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 चला गया, अब सब चीजें बंद हो गई, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि सर मेरा काम ट्रेवल एजेंसी का, गाड़ियों का किराए भाड़े का काम क्यों कम हो गया, क्यों नहीं चला? अपनी अपनी गाड़ियां डाली आपने कि सर? अपनी गाड़ियां सब हटती चली गई, अब तो दूसरों गाड़ियों में भेजता हूँ। उसमें आप प्रॉफिट में रहेंगे, लोगों की गाड़ियों से आप प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि आप गुरु के उसके अंदर स्वामी है, तो उसके अंदर आपको सूर्य और गुरु दोनों है, तो आप सिर्फ सलाह बांटिए लोगों को और जो लोगों से काम करवाइए, आप करेंगे तो लॉसेस आएंगे, आप खुद लोगों से करवाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। अच्छा, जैसे मैं दूसरों की गाड़ियां किराया भेजता हूँ तो मुझे खाली कमीशन ही मिलता है, तो उसमें सर उतना घर परिवार चल नहीं पाता। आप स्केल बड़ा कर लीजिए जी, काम को बढ़ा लीजिए, काम में आपको प्रॉफिट आएगा। अगर मैं अपने लड़के को काम शुरू कराऊंगा उसमें मैं गाइडेंस दूं सर, उसके लड़के की डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगी? लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1997। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको सारा सारा निकाल के 19/4/1997 है
बेटे के सारे पैरामीटर आपको दे देंगे, जिसके अंदर आपको, क्योंकि आपने करना लोहे का काम करना है सर, तो लोहे के साथ आपको हमको या उसको लड़के को दोनों को बता देंगे सर। और अच्छा आपसे कोई इशू नहीं है सर, आप क्लास के अंदर आएंगे ना अभी, क्योंकि पैरामीटर 10-12 पैरामीटर के ऊपर काम चेक होता है सर। मैंने पेमेंट कर दिया है सर को, बताना था मुझे को, अभी मैं स्क्रीन शॉट भेज दूंगा सर। सर आपका नंबर मिल जाएगा सर? विपिन जी आपके लिए दो उपाय मैंने भेजा है व्हाट्सएप में, आप चेक कर लीजिए कौन से ग्रुप में हैं आप। सर अभी ग्रुप तो मैंने अभी कर ली, मैं पेमेंट किया हूँ 499 का, अभी मैं आपको मेल आईडी वगैरह भी उसी पे भेजता हूँ आपको। आप जो है पहले किस ग्रुप में, टीम 33 में थे क्या? नहीं मैं पहली बार आ रहा हूँ सर। पहले किसी ग्रुप में होंगे ना, इन्फॉर्मेशन गया होगा आपको। एक बार सर मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे क्या मिला हमको। टीम 33 लिखा है सर। 33 को ऑन कर देते हैं, और 33 को ऑन करेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा हाथ का फोटो भेज दीजिए। तो अभी काहे का फोटो सर, उसमें लिखा ओनली एडमिन कंसेंट मैसेजेस। अभी वो ऑन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी ऑन हो जाएगा वो, और उसमें जो है आप ये कर दीजिए, मेल आईडी दे दूं, डेट ऑफ बर्थ दे दूं, नाम नहीं, दे दूं। उसमें सिर्फ अभी हाथ का फोटो भेज दीजिए, और उसी ग्रुप में आपको गरीबी दूर करने के लिए उपाय मैंने भेज दिया है, उसमें से कोई भी उपाय अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं सर आपको राइट हैंड का पाम का भेजूं या लेफ्ट हैंड का? हाँ हाँ उसी ग्रुप में राइट, नहीं राइट हैंड का चाहिए। तो सर ये खुल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ वो 33 नंबर ग्रुप को जो है ये कर देते हैं, आप उसमें हाथ का फोटो भेज दीजिए। तो सर जो मैंने मोबाइल नंबर दिया उसी पे मैसेज आया होगा? हाँ आपका 33 ग्रुप में ही आया होगा, 33 ग्रुप जो है अभी ऑन हो जाएगा। अच्छा 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 हाँ अलका जी आपके पास में क्या सवाल? अलका जोशी जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते दिलजीत सिंह जी बताइए। नमस्कार मैडम, बताइए मैडम क्या आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, किसका है पूछना चाहते हैं? अलका जोशी जी का है। सॉरी हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ जी, बताइए। 13 सितंबर 1967। हेलो अभी कोई क्या काम? हाँ जी मैम जी, अभी सर्विस करते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं मैडम आप उनके बारे में? कहीं पे एक्चुअली में है ना, हमने घर बुक किया है, घर लिखवाया था और वहां पे पैसे अटक गए। मैडम वो ऐसा होगा कि जब उनके घर के अंदर दिशा 8 की आएगी तो उसके अंदर घर बन जाएगा, वो लंबा थोड़ा प्रोसेस है। इमीडिएट के अंदर क्या है कि आपको जो वो उनके साथ साढ़े सात तो अभी खत्म हुई सर, साढ़े सात नहीं अपने आप बनते हैं मैडम, वो तो हम लोग मैडम वो सारा चेक कर लेंगे, चालू सती है या क्या क्या चीजें वो सारी चेक कर लेंगे। लेकिन क्या है कि चार नौ का कॉम्बिनेशन है सर का, और उसके हाँ। अंदर गरीबी दूर करने के लिए सर ने आपको वो दे रहे हैं, लेकिन जो है कि इमीडिएट आपको जो रिलीफ चाहिए ना मैडम, कि उनसे अभी काम कराते जाइएगा सर। वैसे ज्यादा 43 दिन का निशान लगा लिया, और उनसे रोज एक नारियल और पतासे रखवाइए, आपके पैसे भी वापसी आने के चांसेस बनेंगे। और आपके जो समझ में आया सर, आप क्या बता रहे? मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनसे नारियल और पतासे माता के मंदिर में रखवाइए, जो आपके पैसे फंसे हाँ। उसके निकलने के भी तरीके बन जाएंगे और समय बनता चला जाएगा। बाकी आप हमारे साथ कोर्स में आ जाइएगा, अंदर हम बैठ के आपको सारी डिटेल वाइज सब कर देंगे, क्योंकि 15 पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर नाम का, समय का, आपके साथ का, बच्चों के सहयोग का, काम का, कौन से समय में क्या काम किया, वो बड़ा वो होता है कि कौन कौन से समय में क्या क्या करना चाहिए। ओके तो उसमें थोड़ी सी इनको टेंशन रहेगी कि राहुल के उसकी शनि मंगल की दिशा चलती है लाइफ के अंदर, और उस दिशा में हम ये देखें कि महादिशा कौन सी है 22 के अंदर, जो अगर 2022 के अंदर हम बात करते हैं तो वो सारी डिटेल देके आपको दे देंगे मैडम। अच्छा ओके। लेकिन आप उनसे ये नारियल और पतासे माता के मंदिर पे रखवा दिया, शिव परिवार पे रखवा दिया, तो ये रोज आप खुद रख दीजिएगा, इनसे फर्क पड़ेगा इनको, और आपके पैसे भी चांस निकलेंगे कि आपको खुशी मिलेगी। अच्छा थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू मैडम। सर मेरे एक पर्सन था। जी सर बोलिए, आप बताइए सर। मेरे को दिन दिन हाँ हेलो सर जी सर, दिन में मेरे को नींद ज्यादा आती है, क्या करूं सर? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22/11/1970। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हेलो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हेलो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 22/22/1970। हाँ जी 1970। हाँ जी कब से आ रही है सर दिन में नींद आपको? मेरे को तो कभी सुला दो। नहीं नहीं सुला तो देंगे वो, मैं टीचर हूँ, फटाते फटा भी नींद आ जाती है। क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी की मास्टरी करता हूँ, ये ग्रह देखेंगे सर आपको ना सारे के सारे उसके अंदर निकाल देंगे कि इसके अंदर आपको जो नींद का है कहाँ, उसके लिए आप थोड़ा सा ये कर लीजिए। रात को नींद पूरी सही आती है सर आपको? हाँ जी रात को नींद पूरी आती है सर आपको? हाँ हाँ पूरी आती है। और दिन में फिर आप सो जाते हैं? हाँ जी तो कुर्सी उसके पर भी सो जाऊं, मैं मोटरसाइकिल पर भी सो करके गिर जाता हूँ, ट्रेन में सो लेता हूँ। जी हाँ जी तो देसी घी का दिया जलाया करिए आप, हाँ जी जल में थोड़ी सी शक्कर डालिए, और हाँ ये आप जी सर ने उपाय सारे आपको दे दिए हैं जिसके अंदर आप उपाय कर सकते हैं सर। जी और उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जब आप सुबह के टाइम में जब उठते हैं तो कितने बजे उठ जाते हैं आप? हाँ जी कितने बजे उठ जाते हैं सर आप? 6 बजे 6 बजे 6 बजे तक उठ जाते हैं, तो उठ के सूर्य को एक बार वो जरूर चढ़ाइए, आप जल चढ़ाइए, अर्घ दीजिए सर। पानी सूर्य को देता हूँ मैं। और उसके लिए थोड़ा सा आप टोटका सर ने दे दिया है आपको, किसको टोटका कर लीजिएगा, तुलसी को चबाइए मुंह में रख के, और कुछ हरा कपड़ा भी अपने पास, हरा सामान रखिए, हरी बोतल में पानी पीजिए कि आपकी जो लाइफ में जी बैलेंसिंग सर नहीं पाता वो एक्टिव हो जाएगा, जी सर लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते ना आप, एक तरफ ही चले जाते हैं, सडनली आपके नुकसान हो जाते हैं, सडनली आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ क्या दिक्कत आ गई, आप हाँ जी सोचते ही हाँ रह जी जाते। हाँ जी हाँ जी तो आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज की अपग्रेड करने के लिए हमारे साथ कोर्स में आ जाइएगा, आपकी नॉलेज इंक्रीजमेंट होगी और घर परिवार के बच्चों को भी आप संभाल पाएंगे आगे लाइफ के अंदर, भटकना नहीं पड़ेगा, बेवकूफ नहीं बनेंगे किसी से भी, आप सारा कुछ कोर्स हाँ में आ जी जाइए। सर अभी एक सप्ताह हाँ मैं 1 सप्ताह में बिजी हूँ, उसके बाद में जुड़ सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए साथ सर, लाइफ में सीखने हाँ की कोई उम्र टाइम जी नहीं होता सर, नहीं सीखिए उमंग आप, है मेरे को, बहुत अच्छा रहेगा। परोपकार की भी है मेरे को, लोगों की भला करने की भी मैं सोचता हूँ, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। गुरबानी में एक शब्द क्या था, आप जपो अगला नाम जपाओ, आप भी सीख जाओगे लोगों को भी सिखाते जाओगे। जी हाँ जी चलिए आज के प्रोग्राम जो है हम खत्म करते हैं, और विपिन जी आप पर्सनली डिटेल पूरा भेज दीजिए। सर मैंने जो है आपके जो नंबर है सर जी उस पर मैंने सर मैसेज किया हूँ, जो आपकी जिसमें आपकी डीपी पे फोटो लगी हुई सर। जी डीपी हमारे सब नंबर पे लगा हुआ है सर, आप बोलिए मैं सर जहाँ भी मैं मैसेज करेंगे आपको जवाब जरूर मिलेगा सर 8669178114 पर मैंने डिटेल भेजी है। ओके ओके ओके, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, आपको ग्रुप में भेज अच्छा दिया। सर इसमें सर इस पे मैंने नाम डाला है और मेल एड्रेस डाला और मेन गेट की डायरेक्शन डाली, और क्या देना है? और बस इतना ही, ये और ईमेल आईडी, सर मेल आईडी दिया हूँ और मेन और गेट की डायरेक्शन दिया हूँ। हाथ का फोटो ग्रुप में भेज दीजिए। अच्छा ग्रुप में भेजें, इसी में भेज दें? ग्रुप पे भेज दीजिए, उस पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप आपके लिए सर हमने खोला है, हाथ का फोटो भेज देते तो अच्छा होता। 27 नंबर वाले पे ना सर? हाँ ठीक सर मैं उसी में भेज दे रहा हूँ। शुभम जी आपके पास
आपको सुमन जी जो है कल 9 बजे आपका कंसल्टेंसी है ना, आपको सुबह 9 बजे कॉल आ जाएगा सुमन जी। ओके सर। सर मैं पूछ सकता हूँ अपना क्वेश्चन? जी जी पूछिए पूछिए पूछिए। कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। हाँ पूछिए सर। मेरे को मोबाइल नंबर जानना है सर, कौन सा नया लेना है, क्या टोटल होना चाहिए? ओके मोबाइल नंबर, वो तो सर देखिए डिटेल, वो डेट ऑफ बर्थ से होगा, आप तो 10th प्रोग्राम में है ना। हाँ जी हाँ जी। कल मोबाइल नंबर का है क्लासेस, कल आ जाइए उसमें, कल देख लेंगे। वो कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा सर? कल हम लिंक भेजवा देंगे आपको पर्सनली मोबाइल नंबर का। डन है सर, डन। ठीक है, और किन्हीं के पास कोई सवाल है, क्लास रिलेटेड कोई सवाल है? अपने पास में 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का, किन्हीं के पास में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में।